हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी के डेट में ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई कितना दोस्तों अंतर आ चुका है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का तो पहले से ही सेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का जो है ना पढ़ाई पे जो है ना इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने का अगर आप लोग सोच रहे हैं, तो दोस्तों अनअकैडमी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो अनअकैडमी क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या करना है वहां से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अगर आप 8th क्लास में हैं, 9th में हैं और 10th में हैं, तो मेरा सजेशन दोस्तों आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है, आपको गोल जो है ना गोल में सिलेक्ट करना है फाउंडेशन एंड NTSC। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो फाउंडेशन एंड NTSC में क्या होता है दोस्तों, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधार यानी किसी भी चीज का बेस बनाना। तो फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों, एक तरीके से बोला जाए तो इसे हम लोग कहते हैं नींव रखना। अगर आप लोग 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, अगर आप लोग 10th क्लास में है, तो आप लोगों को बोर्ड के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे NTSC की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ओलंपियाड के बारे में तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, PRMO को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, और जितने भी कंपटीशन लेवल आते हैं ना दोस्तों 9th और 10th से, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता है कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, कहां कहां हमें टेस्ट देना होता है, NTSC क्या होता है, PRMO क्या होता है, ओलंपियाड क्या होता है, जवाहर नवोदय क्या होता है। तो दोस्तों इसी सब की तैयारी जो है ना आपको छोटे लेवल से ही तैयारी कराई जाती है, यानी छोटे लेवल कहने का मतलब जो बच्चे 8th में है, 9th में है, 10th में है, आप लोगों को एकदम बेसिक से वहां पे तैयारी कराया जाता है। इसके लिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल में जाके आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको वहां पे गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिस गोल में दोस्तों आपको फाउंडेशन एंड NTSC जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मैं बता दूं क्या होता है, इसमें 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 11th और 12th सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे अपना फाउंडेशन जो है ना मजबूत करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे शुरू से अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, और जो बच्चे IIT का सपना देखते हैं, नीट का सपना देखते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना देखते हैं ना बचपन से ही, उन्हीं बचपनों से बच्चों उन लोगों को क्या किया जाता है, हम लोग ट्रेंड करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी के उसी फाउंडेशन एंड NTSC का एक एजुकेटर हूं, और दोस्तों मेरा जो रैंक है ऑलमोस्ट सब जो मेरा रैंक है दोस्तों, मैं आने वाले कुछ दिनों में टॉप 10 में भी आ जाऊंगा, यानी अभी जो मेरा रैंक है दोस्तों वो 13 नंबर पे है, यानी मैं टोटल ओवरऑल जो हूं, यानी एक आपको बता दूं पूरी कैटेगरी में कम से कम 150 से भी ज्यादा टीचर हैं, 150 से भी ज्यादा एजुकेटर हैं, उन 150 के लिस्टों में दोस्तों जो मेरा नंबर है ना वो 13 नंबर पे है, और कुछ दिनों के बाद कुछ और मेहनत करने के बाद दोस्तों मैं टॉप 10 पे भी आ जाऊंगा। और टॉप 10 पे आने का मतलब दोस्तों क्या है कि आप लोग हमारे साथ अभी भी हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, और दोस्तों जो मेरी क्लासेस चलती है ना एवरीडे लाइव क्लासेस चलती है, एवरीडे फ्री भी क्लास देख सकते हैं और आप लोग पे करके भी क्लास देख सकते हैं। फ्री क्लासेस जो मेरी चलती है एवरीडे 10 बजे, आपको एक क्लास मिल जाएगी शाम को 7 बजे, फिर आपको एक क्लास मिल जाएगी रात को 9 बजे, यानी एवरीडे मैं ये दोस्तों क्लासेस चलाता हूं। और जो बच्चे प्लस पे हैं, प्लस क्या होता है, जो बच्चे पैसे देके वहां पे अनअकैडमी पे पढ़ते हैं, और प्लस के भी दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि प्लस लेने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं प्लस लेने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, प्लस के लिए वहां पे आपको एक रेफरल कोड आता होगा यूज करने के लिए, तो आप उस रेफरल कोड में अगर मेरा नाम ही टाइप करोगे ना रजनीश, कैपिटल अक्षर में रजनीश टाइप करोगे, तो जो भी आपकी अमाउंट है ना, जो भी टोटल अमाउंट है, उसमें आपको 10% का लेस मिल जाएगा। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यानी मेरा नाम वहां पे टाइप करोगे ओनली फॉर रजनीश, तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, और उसके साथ आप लोग आ जाओगे प्लस में। प्लस में दोस्तों क्या होता है कि आपको वहां पे एकदम सीक्वेंस वाइज से हर एक चैप्टर का हर एक एनालाइज कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, आपको मेगा क्यूज देने का ऑफर मिलता है, आपको वीकली टेस्ट देने का मिलता है, आप अपने आप को एनालाइज भी करोगे कि मैं मेरा जो पोजीशन है अभी कहां पे है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग प्लस की दुनिया में भी आ सकते हैं, अगर आपको प्लस पे नहीं आना है तो आप स्पेशल पे भी आके मेरे को एक बार सर्च कीजिए, रजनीश कुमार जाइए सर्च कीजिए और आप लोग वहां से पढ़िए,
दोस्तों मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट ऑफ द डे के डे से उनको नवाजा जाता है, यानी उन्हें स्टूडेंट ऑफ द डे कहा जाता है। जो बच्चे मेरी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको स्टूडेंट ऑफ द डे के रूप में एक गिफ्ट दिया जाता है, स्टूडेंट ऑफ द वीक के रूप में दिया जाता है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ के ऊपर दोस्तों उनको बहुत सारा जो है ना गिफ्ट दिया जाता है, वो मेरे द्वारा दिया जाता है, वो अनअकैडमी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, वो मेरे द्वारा दिया जाएगा। अगर आप लोग बेहतर करते हैं मेरी क्लास में, अगर आप लोग बेहतर हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द डे का मतलब क्या है कि पूरे दिन में जो बच्चे एक से लेके तीन यानी टॉप तीन में आते हैं रेगुलर, अगर तीनों क्लास में अगर आप टॉप तीन में आ गए तो आपको कहा जाएगा स्टूडेंट ऑफ द डे। अगर पूरे वीक में देखूंगा कि पूरे वीक में कौन बच्चा जो है टॉप तीन में सबसे ज्यादा बार आया है वो कहलाएगा स्टूडेंट ऑफ द वीक। अगर स्टूडेंट ऑफ द मंथ का उसे अवार्ड मिलेगा यानी उसे गिफ्ट मिलेगा दोस्तों, जो कहलाएगा पूरे मंथ में जिसने भी टॉप किया यानी सबसे ज्यादा बार जो है ना टॉप तीन में आया है, सबसे ज्यादा बार जो टॉप तीन में आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द मंथ के से नवाजा जाएगा और उसको मेरी तरफ से दिया जाएगा ढेर सारा गिफ्ट। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट से मिलवाता हूं जो कि दोस्तों इस बार के स्टूडेंट ऑफ द वीक बने हैं। इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, तीन बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट ऑफ द वीक के अवार्ड से नवाजे गए हैं और उनको मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि वो ऐसे ही पढ़ाई करें और अपना जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और चलिए मैं आप लोगों को उन सारे स्टूडेंटों से मिलाता हूं, स्टूडेंट ऑफ द वीक से जो नवाजे गए हैं इस बार, और उनको दोस्तों इस बार तो मैं कुछ गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा लेकिन इंश्योर कि अगर आप लोग स्टूडेंट ऑफ द मंथ आते हैं मेरी क्लास में तो जरूर आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा और जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उन सब स्टूडेंटों से आपको एक एक करके रूबरू कराता हूँ, एक एक करके मिलवाता हूँ जो इस वीक में स्टूडेंट ऑफ द वीयर स्टूडेंट ऑफ द वीक रहे हैं मेरी क्लास में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उन सारे बच्चों से। तो दोस्तों मिलिएगा और देखिएगा उन सारे बच्चों को, देखिएगा कि कैसे वो जो है ना अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को नया अंजाम दे रहे हैं एनटीएससी को क्रैक करने के लिए या किसी भी ओलंपियाड को क्रैक करने के लिए, और उनका एम क्या है आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को देखिए और वीडियो को पसंद कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सारी वीडियो का लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अनअकैडमी पे आना है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का भी लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी पे आइए, मेरे को फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मेरी क्लासेस में आइए और क्लास का एंजॉय लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इन सारे स्टूडेंटों से जो स्टूडेंट ऑफ द वीक हुए हैं इस मंथ में, इस वीक में मेरे द्वारा किया गया टेस्ट में। चलिए दोस्तों मुलाकात। सर ज्योतिर्मय तिवारी, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। आई एम हियर टू शेयर माय जॉय एंड अचीवमेंट विद रजनीश सर ऑन अनअकैडमी। बट Before I wanna tell you that I am preparing mental ability test with Rajneesh sir for NTSC, and there he makes a healthy competition among students with surprise gifts. That's why I tried and got the position of student of the week, and now I am trying to achieve the position of student of the month. And for this position I am very much sure, because with Rajneesh sir I improved my so many skills like speed and accuracy. He taught us many easy and short tricks for difficult situations. He gave us variety of questions from many fields like NTSC, board exams, SSC, railway that enhanced my mind. I am able to solve these questions in very short time because he maintained regularity with joy of learning. I never felt that learning is enough or boring with Rajneesh sir. I would suggest you all to join him. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजल सुनील सामंत है और मैं अनअकैडमी पे फाउंडेशन और एनटीएससी के क्लासेस देखता हूँ। मैंने जब से अनअकैडमी देखना शुरू किया है तब से मैं रजनीश कुमार सर का एक रेगुलर स्टूडेंट बन गया हूँ। वो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, उनके क्लास में किसी को भी बोर नहीं होता, वो बहुत मजे के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए हमें उनके सारे कंसेप्ट समझ आते हैं। उन्होंने अभी इस हफ्ते में एक मैथमेटिक्स और मैथ के ऊपर क्विज रखा था, उसमें मैं टॉप तीन में आया, इसलिए सर ने मुझे अपने स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिस्ट में स्थान दिया, इसलिए मैं सर का आभारी हूँ। थैंक यू सर।
हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ अर्जित चौधरा और रजनीश सर ने मुझे सिलेक्ट किया है स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए। आप भी बन सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और रजनीश सर के क्लास में रेगुलर आना है। अगर आप हफ्ते भर तक ज़्यादा बार जीते तो आपको मिल सकता है स्टूडेंट ऑफ द वीक का अवार्ड, और अगर आप महीने भर तक ज़्यादा बार स्टूडेंट ऑफ द वीक बने तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड, जिसमें आपको मिलेगा एक बहुत बेहतरीन प्राइस। सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए।